वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल और आज हम क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के एमसीक्यू 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर. हु इज द राइटर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के राइटर कौन है वो है खुशवंत सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नरेटर हाउ मेनी ईयर्स हिज ग्रैंडमदर वाज ओल्ड एंड रिंकल्ड. नरेटर के हिसाब से कितने सालों से उसकी जो ग्रैंडमदर है वो ऐसी ही थी बूढ़ी की बूढ़ी और रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियां. तो वो कहता है कि पिछले 20 सालों से उसने लगभग उन्हें ऐसे ही देखा है. ग्रैंडफादर लुक्ड एटलीस्ट डैश इयर्स ऑफ एज इन हिज फोटो. आपको पता है कि ग्रैंडफादर की एक फोटो टंगी हुई थी ड्राइंग रूम में उसमें वो कम से कम कितने साल के लग रहे थे कम से कम 100 साल के. हु वर गुड फ्रेंड्स दो गुड फ्रेंड्स कौन कौन से थे वो थे नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर. नरेटर वॉज स्टेइंग विद हिज डैश इन द विलेज. विलेज में वो किसके साथ रह रहा था अपनी ग्रैंड मदर के साथ. हु वॉज टीचिंग द नरेटर इन स्कूल विलेज. स्कूल में जब वो जाता था विलेज वाले स्कूल में वहां पे कौन पढ़ाता था उसे जो गांव के टेंपल के प्रीस्ट थे पुजारी जी जो थे वो पढ़ाते थे. इन विलेज नरेटर यूज टू राइट ऑन ए. जब वो गांव में पढ़ता था किस पे लिखता था वुडन की एक स्लेट पे लकड़ी की जो स्लेट होती है आपने देखी होगी उस पे. वॉट वॉज नरेटर्स ब्रेकफास्ट इन विलेज. गाँव में उसका ब्रेकफास्ट क्या था. गाँव में उसका ब्रेकफास्ट था थिक स्टेल चपाती. यहाँ स्टेल का मतलब है जो रात की बासी रोटी होती है ना ठीक है उसी को थोड़ा गरम गरम करके उसमें घी और बटर वगैरह लगा के चीनी लगा के उसकी ग्रैंड मदर उन्हें देती थी. ग्रैंड मदर कैरीड सेवरल चपातीज फॉर विलेज डैश. जब उसे खिलाने के बाद जो गांव के जो डॉग्स थे उनके लिए भी ग्रैंड मदर काफी सारी रोटी ले जाती थी. वेयर डिड नरेटर गो फॉर हायर एजुकेशन के लिए. नरेटर कहाँ गया अब्रॉड यानी कि विदेश गया. चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले बता दूं अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन आंसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं सबके एमसीक्यू तुम्हें यही मिलेंगे टर्म वन के लिए ठीक है. तो अभी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स नरेटर केम बैक फ्रॉम अब्रॉड. कितने सालों बाद वो विदेश से वापस आया 5 साल बाद. इन सिटी ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे वर विद हर. जब वो शहर में चले गए तो ग्रैंड मदर का जो हैप्पीएस्ट टाइम होता था वो क्या होता था उनकी स्पैरो के साथ जब वो उन्हें खाना खिलाती थी. स्पैरो मींस चिड़िया. हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर. कौन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मेन कैरेक्टर. ग्रैंड मदर. हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक. ग्रैंड मदर कैसी लगती थी. ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड बूढ़ी थी शॉर्ट छोटी सी थी हाइट में थोड़ा सा झुक के चलती थी और थोड़ी सी मोटी भी थी. Why would grandmother accompany the author to his school? जब वो गांव में रहते थे तो grandmother school में साथ साथ क्यों जाती थी उसके. Because of the temple attached to the school. क्योंकि जो बच्चा है जो narrator है वो school चला जाता था और उसी के बराबर में temple था वहां पे वो scriptures पढ़ती थी दादी जी. Where were the parents of the author? Author के parents कहाँ पे थे जब वो गांव में था वो city में shift हो गए थे. What would the grandmother do in the temple on a daily basis? जो grandmother जब टेम्पल जाती थी वहां पर रोज क्या करती थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी वो जो वेद होते हैं पुराण होते हैं है ना मंदिरों में वो पढ़ती थी. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर. ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसमें टर्निंग पॉइंट कब आया जब वो लोग सिटी में शिफ्ट हो गए. वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी. जब ऑथर सिटी में शिफ्ट हो गया अब वो पढ़ने के लिए कहाँ जाता था अब वो इंग्लिश स्कूल में जाता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में मोटर बस यानी बस में बैठ के जाता था. व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल. जब वो नए स्कूल में जाने लगा तो किस बात से जो ग्रैंड मा थी दुखी थी. द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसंस. क्योंकि पहले वो गाँव में पढ़ता था हिंदी मीडियम में था तो उसके आसियान आर आसियान थोड़ा बहुत वो बता देती लेकिन अब वो इंग्लिश में हो गई सारी पढ़ाई तो अब वो उसकी हेल्प कहीं पे भी नहीं कर पाती थी. Why didn't the grandmother like music? क्यों उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं आया जब लड़के ने आके बताया कि हमें स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है. क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो म्यूजिक वगैरह है ये हरलोट्स यानी वैश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए बना है और ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है. हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी. शहर में वो अपना टाइम कैसे बिताती थी. वो पूरा दिन क्या कर चलाती रहती थी चरखा स्पिनिंग द व्हील. हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून. और आफ्टरनून दोपहर वाला टाइम बाई फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोस. कई सारी चिड़ियों को वो स्पैरोस को दाना खिलाती थी. व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर. जब वो 5 साल के लिए वहां पर चला गया तब क्या हुआ. ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाई साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड. बस ग्रैंड मदर ने उसके माथे पे किस किया और उसे
गुड बाय बोला। वॉट चेंज केम इन ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, ग्रैंड मदर के इवनिंग शेड्यूल में एक दिन क्या चेंज आया, अचानक से उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया और वो गाना गाने लग गए। वॉट हैपेंड वेन द ग्रैंड मदर डिडेंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने जीवन में पहली बार अपनी प्रेयर नहीं करी, अपनी पूजा नहीं करी, तो क्या हुआ, उसके अगले दिन वो बीमार पड़ गई, शी फेल इल द नेक्स्ट डे। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, जब वो बीमार पड़ी तो ग्रैंड मदर ने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने कहा शी सेड हर एंड वॉज नियर, अब उन्होंने कहा मेरा अंत पास में ही है, मतलब मैं मरने वाली हूँ। वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, और जब वो बिल्कुल मरने वाली थी अंतिम क्षणों में, अंतिम घंटों में, उन्होंने क्या किया, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, उन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया सबसे, और बस वो अपनी पूजा करती थी चुपचाप, और उनके हाथ में बीड्स का मतलब एक माला होती पूजा करने वाली उससे। हाउ डिड ग्रैंड मदर डाई, कैसे वो मरी, ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड, जब वो अपने बेड पे लेटी हुई थी और अपनी पूजा कर रही थी उन माला से, बस वो उसी टाइम पे पूजा करते करते एक्सपायर हो गई। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, जो चिड़िया थी उन्होंने अपना दुख कैसे व्यक्त किया ग्रैंड मदर की मौत पे, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांडा, वो आई उस दिन और चुपचाप बैठी रही वरांडा में, और अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है उन्होंने उस दिन ब्रेड भी नहीं खाई। What happened when they took the grandmother corpse away? Corpse का मतलब होता है dead body, लाश। जब वो grandmother की लाश को लेके चले गए dead body को, तब क्या हुआ? Birds flew away quietly। वो जो birds जो शोक मना रही थी, दुख मना रही थी grandmother की death का, वो भी चुपचाप उड़ के चली गई और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। Where was the author's grandmother portrait? Grandfather का portrait कहाँ पे टंगा हुआ है? Hung above the mantelpiece. अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो वो mantelpiece के ऊपर उनके grandfather की फोटो टंगी हुई है। Did the author bother to learn the morning prayers that his grandmother recited? जब वो गांव में रहता था तो उसकी grandmother सुबह सुबह एक प्रेयर गाती थी, क्या author ने कभी वो याद करने की कोशिश की? No. When was their common link of friendship snapped? जब उनका जो एक फ्रेंडशिप थी ऑथर के बीच में और उसकी ग्रैंडमदर के बीच में, वो कब टूट गई, उसमें कब एक स्नैप हुई वो? When he went to the university, they were given separate rooms. Actually, पहले उनका रूम एक ही हुआ करता था, तो वो एक साथ बात कर सकते थे, है ना, डिस्कस कर सकते थे पूरे दिन क्या हुआ, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो उसे उसका खुद का अलग से रूम दे दिया गया। What was grandmother's reaction when the author was going abroad? जब वो जा रहा था तब grandmother का क्या रिएक्शन था? Not even sentimental. जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग रो जाते हैं कुछ, वो बिल्कुल भी sentiment नहीं दिखाए। What happened when the author moved abroad to study for 5 years? जब वो author 5 साल के लिए पढ़ाई करने गया तब क्या हुआ? Grandmother ने उसे किस किया उसके forehead पे और उसे good bye बोला। Next, what was her reaction when he came back after 5 years? जब वो आया तब क्या था उस grandmother का reaction? Clasped the author in her arms and said prayers. और जब वो वापस आया तो उसे बस उसे गले लगाया, लेकिन वो उस टाइम पे भी अपनी प्रेयर कर रही थी। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, जब वो गांव में था और अपनी दादी के साथ, तो उसके पेरेंट्स कहाँ पे थे? वो शहर में थे, सिटी में। वाई वुड ग्रैंड मदर अकंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल, क्यों जाती थी वो उसके साथ स्कूल में? बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, क्योंकि एक टेम्पल अटैच था स्कूल से, वहीं पे वो पूजा कर। ग्रैंड मदर यूज टू वेयर, ग्रैंड मदर क्या पहनती थी? स्पॉटलेस व्हाइट कलर की एक साड़ी पहनती थी। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हु वॉज पोर्ट्रेट बाई द ऑथर, किसको पोर्ट्रे किया है? ऑब्वियसली उसने अपनी ग्रैंड मदर को पोर्ट्रे किया है। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ब्रिंग्स आउट द बॉन्ड बिटवीन ऑथर एंड, किसके बारे में है ये? ऑथर और किसका बॉन्ड दिखाया गया है? ऑथर और ग्रैंड मदर का बॉन्ड दिखाया गया है। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर कौन है? खुशवंत सिंह, जो राइटर है वो ही नरेटर है। In the story, the portrait of a lady who was pretty in her young age. Portrait of a lady में क्या बताया गया है कि कौन ऐसी लेडी थी जो अपनी यंग एज में बहुत सुंदर थी? वो है ग्रैंड मदर के बारे में। Whose portrait was hung? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है वो टंगा हुआ है। What thought was revolting around the author in his child? Revolting का मतलब होता है जिस चीज पर भरोसा ना हो, कि क्या सोच के, उसे ये कभी भरोसा ही नहीं होता था, एक टाइम पे ग्रैंड मदर कभी यंग और ब्यूटीफुल हुआ करती थी। When the author was given the separate room, author को एक separate room कब दिया गया? जब वो university के लिए जा रहा था, university पढ़ाई करने के लिए। Why author's grandmother constantly moves her lips? वो अपने lips क्यों चलाती रहती थी? क्योंकि वो धीरे धीरे prayer करती रहती थी पूरे time।
अब चिल्ड्रन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। व्हाट कलर ड्रेस वॉज वॉर्न बाय ऑथर्स ग्रैंडमदर, ऑथर की ग्रैंडमदर किस कलर की ड्रेस पहनती थी, ग्रीन व्हाइट ब्लैक या येलो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपको मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन 10 मिनट में 50 एमसीक्यू कैसे लगे प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और किस किस चैप्टर के एमसीक्यू तुम्हें चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।